डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिज़िक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, 12th क्लास में जो हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे पहुँचते हैं। और ये जो टॉपिक्स है ना, ये कई बार बोर्ड्स एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। अब वो कि कौन सा टॉपिक्स है जिसे बार बार रिपीटेड करता है क्वेश्चंस, तो गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, ये जो टॉपिक्स है ना दोस्त, गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय सतह का मतलब क्या हुआ? गोलीय सतह का मतलब या तो उत्तल लेंस हुआ या तो फिर अवतल लेंस हुआ। ठीक है, अच्छा, इस गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन का फार्मूला को प्रूफ करना होता है। तो इसका फार्मूला क्या है, जरा फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला जो है हम लोगों का म्यू टू बाई वी, याद रख लीजिए, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, तो म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टा में आर। ठीक है, आपको यही फार्मूला दोस्त प्रूफ करना है। सवाल यही आता है कि आप इसको जो है ना प्रूफ कीजिए, और ये वी वी आई फार्मूला है, याद रखिएगा। किस क्या पूछ सकता है सवाल? सवाल पूछ सकता है गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन का फार्मूला यानी अपवर्तन का सूत्र को सिद्ध कीजिए। तो याद रखिए, इसी को कहते हैं गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, इसको आप याद रखिएगा। इसका होता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर, जहाँ जहाँ भी क्या है, तो भी को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, यहाँ यू है, यू को कहते हैं वस्तु दूरी, आर को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और म्यू वन क्या है, तो म्यू वन का मतलब हुआ प्रथम माध्यम है, प्राथमिक माध्यम, यानी कि दो माध्यम होता है ना, तो प्राथमिक माध्यम। म्यू टू को कहेंगे द्वितीयक माध्यम, द्वितीयक माध्यम। ठीक है, और यू को कहेंगे वस्तु दूरी, यू को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। भी को कहेंगे प्रतिबिंब दूरी, और आर को कहेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है भाई, इसको आप बार बार जो है ना प्रैक्टिस कर लेना है कि आखिर ये फार्मूला कैसे सिद्ध किया जाता है। तो गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र यही हुआ, जैसे कैसे हुआ कि लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, तो वन बटा भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। दर्पण सूत्र क्या होता है भाई, तो वन बाई यू प्लस वन बाई भी बराबर वन बाई एफ। वैसे ही ये जो है प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र है, कहाँ पर, तो गोलीय सतह पर। तो ऐसे पूछ सकता है कि गोलीय सतह पर जो प्रकाश का अपवर्तन का फार्मूला है, उसको जो है आप प्रूफ कीजिए, उसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो उसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को क्या क्या उपाय करना पड़ेगा, वो चलिए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे हम समझाने का प्रयास किए हैं कि म्यू वन और म्यू टू और यू भी आर क्या है। तो मेन हम लोगों को इस टॉपिक्स में क्या करना है, तो इस टॉपिक्स में ओनली और ओनली हम लोगों को फार्मूला। तो चलिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक अवतल सतह लेते हैं। अब अवतल सतह लेंगे तो उसका फिगर ड्रॉ करना सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखना होगा। तो इसका फिगर ड्रॉ कैसे करेंगे वो बात सीखते हैं। तो सबसे पहले एक अवतल सतह लेंगे, तो ये रहा हम लोगों को अवतल सतह। फिगर सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, फिगर समझ जाइए। ये हम लोगों इसके लिए जो है आपको एक अवतल सतह लेना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि ये है हम लोगों को अवतल सतह, ठीक है, यह है अवतल सतह। ठीक है, अब इस अवतल सतह का एक मुख्य अक्ष बना लीजिए, ये हम लोगों को मुख्य अक्ष हो गया। और मुख्य अक्ष का बात करें तो लेंस के
यहाँ पे पोल होता है, ध्रुव होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ आई है, इमेज बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ सी है एक पॉइंट, और यहाँ मान लीजिए कि सेंटर है जिसको केंद्र बोल रहे, इसका इस लेंस का केंद्र है। अब माना जा रहा है कि यहाँ से कोई किरण को आपतित किया जा रहा है, तो जब भी आपतित किरण होगी उसको आई से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये आपतित किरण है। अब अगर मान लेते हैं कि आपतित किरण है, तो यहाँ से टकरा कर और यहाँ पर लौटेगी, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो जब इसको पीछे बढ़ाया जाए तो हम लोगों को ऐसे बढ़ेगा, और दूसरी कि अगर इससे एक किरण को पास कराया जाए तो हम लोगों को ऐसे पास होगा, यानी एक किरण यहाँ से ऐसे निकल रही है। तो एक किरण ऐसे निकल रही है और ऐसे निकल रही है, तो ये दोनों के बीच की कोण को हम लोग अपवर्तित कोण बोलते हैं, ठीक है। अपवर्तित कोण हो गया, और यहाँ पे हम लोग ये आपतन कोण हो गया। तो इसको जब हम आर बोल रहे हैं तो ए भी मेरा क्या हो गया, आर हो गया, और पूरा जो है हम लोगों को आपतन कोण हो गया जिसको आई से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो दोनों कट कर रहा है इसको हम लोग नाम दे देंगे एन, एस, ठीक है, एस नाम दे देंगे। और इस ई वाला पॉइंट जो ऐसे आ रहा है इसको हम लोग नाम दे देंगे एन, और इसको नाम दे देंगे आर। यानी कि एन एस आर के बीच का कोण कितना है, छोटा आर, जिसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। अच्छा, जब ये आर है तो इसके सामने वाला भी आर होगा, क्योंकि संगत कोण से आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर। और जब ये आपतन कोण है तो इसलिए हम लोग पूरा बोलेंगे ओ एस सी। ओ एस सी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो आई होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तीन गो कोण बच गया। एंगल ओ को मान लीजिए आप थीटा, और उस आई को मान लीजिए आप बीटा, और सी को मान लीजिए आप अल्फा। यानी कि यहाँ पे अवतल सतह लेना है, और उसके बाद आपको काम क्या करना है कि इतना सारा चीज आपको ड्रॉ कर देना है, सबका नाम लिख देना है पॉइंट का, और सबका मान लेना है। और इधर हो गया प्राथमिक माध्यम, और इधर जो हो गया वो हो गया द्वितीयक माध्यम। यानी कि लेंस के पहले वाले भाग को हम लोग प्राथमिक माध्यम कह रहे हैं, म्यू1 जिसको कह रहे हैं, और बाद वाला को म्यू2 करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इधर म्यू1 है और इधर म्यू2 है, क्लियर। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या माने हैं उसको लिखेंगे। तो उसके नीचे फिगर के नीचे लिखा जाए, यहाँ यहाँ अवतल सतह लिया गया है, जिसमें 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 एस ओ पी, एंगल एस ओ पी बराबर थीटा माना। उसके बाद एंगल यहां पे देख पा रहे होंगे एस ओ पी को थीटा माने हैं, एस आई पी को बीटा माने हैं, एस आई पी बराबर बीटा माना, ठीक है। फिर लिख सकते हैं उसके नीचे एस सी पी बराबर अल्फा माना, ठीक है। तो तीनों जो है हम लोग क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं, ठीक है। तो एस ओ पी बराबर थीटा, और एस आई पी बराबर बीटा, और एस सी पी बराबर अल्फा, तीनों जो है हम लोग मान लिए हैं। अब हम लोग चित्र में अगर बात करें तो चित्र में, यानी कि जो फिगर बनाए हैं ये वाला फिगर में, इसमें आई किसको कहते हैं, तो आई कह रहे हैं ओ एस सी को। यानी कि टोटल हम लोगों को आपतित कोण है, आपतित कोण, यानी कि आपतित, यहाँ पे जो चित्र में हम लोग चल रहे हैं, तो आपतित कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं भाई, तो आपतित कोण को हम लोग आई कहते हैं, ठीक है, एंगल आई। तो एंगल आई जो है यहाँ पे क्या है, तो एंगल आई देख पा रहे होंगे ओ एस सी है, तो हम बोल सकते हैं एंगल ओ एस सी। ओ एस सी का मतलब आई। चलिए, अपवर्तित कोण किसको कहते हैं, अपवर्तित कोण कहा जाता है आर को, एंगल आर को,
ठीक है। और आर का बात किया जाए, यहाँ चित्र में आर किसको कह रहे हैं, तो आर कह रहे हैं आई एस सी को, किसको कह रहे हैं आई एस सी को, एंगल आई एस सी, ठीक है। अच्छा, इस चित्र में पी से लेकर ओ तक की दूरी को कहते हैं वस्तु दूरी, क्योंकि यहाँ पे जो है ओ बिंदु पर वस्तु है, तो हम बोल सकते हैं कि पीओ हो गया मेरा कौन सी वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को हमेशा यू से सूचित करते हैं, लेकिन वस्तु दूरी जो है बाईं ओर है, इसलिए इसको कहेंगे माइनस यू, ठीक है। फिर अगर बात कर लेते हैं तो चित्र में पी आई क्या है, तो आई जो है प्रतिबिंब है, इसलिए पी से लेकर आई तक की दूरी को हम कहेंगे प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग वी से सूचित करते हैं, और वी भी मेरा कहाँ है, तो लेंस के बाईं तरफ, इसलिए चिन्ह परिपाटी से माइनस लगा देंगे। फिर बात करते हैं पी से लेकर सी तक की दूरी को, तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, पी से सी तक के वक्रता त्रिज्या है। अब इस वक्रता त्रिज्या को हम लोग सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं आर से, और आर भी बाएं तरफ है, तो माइनस आर, ठीक है। अब सबसे पहला हम लोग सब चीज माने हैं कि थीटा के जगह पे कितना है भाई, तो एंगल एस ओ टी। उसके बाद हम लोग बीटा किसको माने, एस आई टी, ठीक है। और अगर बात करें तो एस सी पी अल्फा माने हैं भाई, ठीक है। तो सबका वैल्यू हम लोग मान लिए हैं। अब आप ट्रायंगल एस ओ सी में चलिए, यहाँ पे जो है ना दो दो ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल एस ओ सी में एस ओ सी लिखा हुआ है, तो एस ओ सी में आप चलिएगा, तो एस यहाँ है, ओ यहाँ है और सी यहाँ है, तो एस ओ सी में बात करें तो बहिष्कोण क्या है अल्फा, इसके दोनों अंदर वाले कोनों को योगफल के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज रहेगा ना, जैसे मान लिया ऐसे त्रिभुज है और ई जो है 30 डिग्री है, ई जो है 40 डिग्री है, तो ई वाला पूछा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं बहिष्कोण निकालने के लिए दोनों अंदर वाले को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण का वैल्यू होता है दोनों अंदर वाले कोनों को जोड़ने के बराबर होता है। तो आप एस ओ सी त्रिभुज देखिए, एस ओ सी में बहिष्कोण अल्फा है और अंदर का दोनों तरफ एगो थीटा है एगो आई है, तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर क्या हो गया आई प्लस में थीटा, ठीक है। इसलिए यहाँ से हम लोग आई का वैल्यू निकाल सकते हैं, आई का वैल्यू क्या हो गया, तो अल्फा माइनस थीटा, आई का वैल्यू निकालना है तो ये थीटा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस थीटा, तो एस ओ सी में ये हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। अब एस ओ सी में हमको मिल गया, फिर हम लोग बात कर लेते हैं एस आई सी में, कौन सा त्रिभुज में, तो त्रिभुज एस आई सी में, तो एस आई सी में आप देखिएगा तो एस आई सी कहाँ है, तो एस आई सी, तो एस आई सी में भी बहिष्कोण क्या है अल्फा, लेकिन एस आई सी का बात करें तो अंदर का बीटा और अंदर का आर, तो इसलिए यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा प्लस में आर हो जाएगा, बीटा प्लस में आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आर का वैल्यू निकालना है तो इस बीटा को इधर लाएंगे, तो इस बीटा को अगर बाएं तरफ लाएंगे तो हम लोगों को क्या बनेगा, तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा बनेगा, जैसे यहाँ पे प्लस बीटा है, इधर आएगा तो माइनस बीटा, तो आर का भी पता चल गया, आई का भी पता चल गया। उसके बाद हम लोग आते हैं अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन के नियम से, तो अपवर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है, साइन आई और साइन आर दोनों का जो अनुपात होता है वो म्यू टू बाई म्यू वन होता है, ठीक है। साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, म्यू टू बटा में म्यू वन, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे अगर बढ़ें तो आगे क्या क्या लिख सकते हैं वो देखिए, चूँकि साइन आई का जो वैल्यू है
उसको हम लोग आई लिख सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि साइन आई जो है लगभग किसके बराबर है, तो आई के, ठीक है। और साइन आर जो है लगभग किसके बराबर है, तो साइन आर जो है लगभग आर के बराबर है, ठीक है। तो साइन आई जो है आई के बराबर है, साइन आर जो है लगभग आर के बराबर है, इसलिए ऊपर साइन आई है तो हम लोग आई लिख सकते हैं, नीचे आर का आर लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो साइन आई था, तो साइन आई इसका मतलब होता है, देखिए बराबर हो गया ऐसे, और अगर ऐसे करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि लगभग सेम है, इसलिए साइन ए जो है आई के बराबर है, साइन आर जो है आर के बराबर है, इसलिए साइन ए की जगह पे आई रख दिए, साइन आर के जगह पे आर रख दिए, और इधर तो म्यू टू बटा म्यू वन रहेगा ही रहेगा, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बनेगा आई गुने म्यू वन और आर गुने म्यू टू, और आर आई का मान रख दीजिए तो म्यू वन और आई का मान कितना है भाई, देख लो यहाँ से, आई का मान है अल्फा माइनस थीटा और आर का मान है अल्फा माइनस बीटा, तो आई के जगह पे हम कितना रखेंगे, आई के जगह पे रख देंगे अल्फा माइनस थीटा, ठीक है, इसके जगह पे अल्फा माइनस थीटा और इज इक्वल टू म्यू टू, और आर के जगह पे कितना रख देंगे तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब अल्फा थीटा बीटा ये सब क्या है, कोण है, तो कोण का फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या, याद रखिएगा चाप बटा में त्रिज्या। तो अब हम लोग लिख क्या सकते हैं, म्यू वन का तो म्यू वन लिखेंगे, ठीक है। अब इस अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे, तो आप देख लीजिए फिगर में, अल्फा के सामने वाला क्या है, एस पी, ये चाप है और इसका पी सी, ठीक है। तो एस पी बटा क्या हो गया, पी सी, त्रिज्या पी सी हो गया, तो अल्फा के लिए एस पी बटा में पी सी, माइनस थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो थीटा का हो गया चाप एस पी और इसका दूरी पी ओ, तो एस पी बटा पी ओ, एस पी बटा पी ओ बराबर म्यू टू का म्यू टू लिखेंगे, और इस अल्फा के जगह पे वही लिखेंगे एस पी बटा पी सी, माइनस इस बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, तो बीटा देख लीजिए, बीटा यहाँ है, बीटा के लिए भी चाप एस पी होगा लेकिन दूरी पी आई होगा, तो यहाँ रख दीजिए एस पी बटा में पी आई। अब क्या करेंगे, मी वन तो बाहर ही है, एस पी भी बाहर कर लेंगे, तो एस पी बाहर करेंगे तो वन बटा पी सी माइनस वन बटा में पी ओ इज इक्वल टू म्यू टू, यहाँ से एस पी को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा एक बटा पी सी माइनस एक बटा पी आई, एस पी दोनों तरफ कट गया, अब यहाँ बच रहा है म्यू वन और पी सी, हम पहले ही बोले हैं कि पी सी के जगह पे कितना रख सकते हैं, पी सी के जगह पे माइनस आर, पी ओ के जगह पे माइनस यू, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पी सी है वहाँ वहाँ रख दीजिए माइनस आर, माइनस पी ओ के जगह पे माइनस यू ब्रैकेट म्यू टू, पी सी के जगह पे यहाँ पे फिर से पी सी आया तो पी सी के जगह पे माइनस आर और माइनस पी आई के जगह पे माइनस भी। तो अब इस सबको हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो यहाँ के पे क्या बनेगा, म्यू वन ब्रैकेट वन बटा माइनस में वन बाई आर, ठीक है, और यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस वन बटा में म्यू वन, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू, म्यू वन नहीं वन बटा में यू, यू है यहाँ पे क्योंकि देख लीजिए माइनस माइनस प्लस यू इज इक्वल टू यहाँ हो गया म्यू टू और ब्रैकेट में क्या कर देंगे तो माइनस वन बाई आर, ठीक है, और यहाँ क्या होगा तो माइनस माइनस प्लस वन बाई वी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या एक्चुअली कि सबका वैल्यू हम लोग तो यहाँ पे पुट कर दिए ना भाई कि क्या होता है पी सी पी आई पी ओ ये सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग म्यू वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस म्यू वन बटा में आर और इसको करेंगे तो प्लस म्यू वन बटा में यू इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू टू को अब इसके साथ करेंगे तो माइनस
म्यू टू बटा में आर, ठीक है, और प्लस म्यू टू बटा में वी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें तो ये माइनस म्यू वन बटा आर को एक तरफ रख लेंगे, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस म्यू टू बटा में आर, और ये है म्यू टू बटा में वी माइनस, इसको उधर ले जाइए तो म्यू वन बटा में यू, ठीक है। अब इसको इसको हम लोग कॉमन एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम आर माइनस म्यू वन और प्लस म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। अब हम लोग एक और लिख सकते हैं, ये प्लस वाले को पहले लिखेंगे तो म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो इसी को हम लोग और करके लिख सकते हैं कि म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हम लोगों को दोस्त प्रूव होता है फार्मूला, यही है गोलीय सतहों से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। याद रखिएगा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा इन चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।